बरेली से बीजेपी प्रत्याशी संजीव अग्रवाल ने मीडिया कर्मियों से कही ये बातें और उनके समर्थकों ने जय श्री राम के नारों के साथ नामांकन कराने के लिए पहुंचे संजीव अग्रवाल का स्वागत किया। साथ में बरेली से मेयर उमेश गौतम भी मौजूद रहे। 125 बरेली कैंट विधानसभा के संघर्षशील जुझारू कर्मठ कार्यकर्ताओं के ऊपर जो विश्वास दिखाया है और यहाँ की जनता की जनभावनाओं के अनुरूप मुझे 125 कैंट विधानसभा से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का रूप में भेजा है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इन जनभावनाओं को पार्टी कार्यकर्ताओं संगठन के लिए यहाँ पर उनके विश्वास को पूरा करने के लिए, उनको जीतने के लिए, उन्हीं के बीच में उन्हीं के लिए हर समय बने रहने के लिए संकल्पबद्ध हूँ। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं के लिए, छात्र छात्राओं, विद्यार्थियों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, उद्योगपतियों के लिए, व्यापारियों के लिए, रेडी पटरी वालों के लिए, श्रमिकों के लिए एक सुरक्षित माहौल देने का काम कर रही है। निरंतर उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास की धारा बहा रही है, गुंडा राज खत्म करने का काम कर रही है, माफिया राज खत्म करने का काम कर रही है, एक सुरक्षित माहौल देने का काम कर रही है और हमारी ऐतिहासिक धार्मिक धरोहरों को भव्य दिव्य रूप देने का काम कर रही है। जनता की सरकार जनता के लिए समर्पण के साथ काम कर रही है, चौमुखी विकास हो रहा है। मैं भी उस पार्टी नेतृत्व के आदेश अनुसार बरेली की जनता के लिए जो भी संभव होगा, जो भी जरूरत होगी, उनके बीच हमेशा कार्य करता रहूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जनता पार्टी का प्रत्याशी हूं, कमल निशान है। आपने अभी 31 तारीख को जन विश्वास यात्रा में देखा था, बरेली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जताया। अपार जनसमूह, आजादी के बाद अपार जनसमूह बरेली शहर में सड़कों पर था और अपना विश्वास पार्टी और सरकार के प्रति व्यक्त कर रहा था। कोई नहीं है टक्कर, कोई भ्रम नहीं है जनता में। जनता पूरा मन बना चुकी है, पूरे विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ी हुई है।